नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्वल और आप देख रहे हैं punjabkesari.com का टॉप 20 बुलेटिन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन, राहुल गांधी ने शुरू की पदयात्रा। सीएम भूपेश बघेल बोले, कांग्रेस सरकार के विकास मॉडल को सीखने छत्तीसगढ़ आती है बीजेपी। झारखंड के गढ़वा में दुमका जैसा कांड, युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पेट्रोल डालकर लगाई आग। बीजेपी का बड़ा फैसला, पूर्व सीएम विप्लव देव को त्रिपुरा राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार किया घोषित। मंगोलपुरी में गणेश विसर्जन के दौरान हमले में जख्मी हुए युवक की मौत। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन के मामले में आयोग ने सीलबंद लिफाफे में राजभवन को भेजा पत्र। आज अहमदाबाद में पीएम मोदी केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, विभिन्न विषयों पर सत्र किए जाएंगे आयोजित। ओशिनिया के पलाऊ में लगे भूकंप के झटके, 6.1 रही तीव्रता। हरियाणा में खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, कई जवान और अधिकारी घायल। राजस्थान में एसएफआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या, बदमाशों ने घेर कर सरिये से पीटा। एक महीने स्कूल नहीं जा सकेगा, पिटबुल के हमले में घायल कुश, कुत्ते के मालिक पर लगा 5,000 रुपए का जुर्माना। हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से 5 लोगों की मौत, जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। महेंद्रगढ़ सोनीपत में डूबने से 7 की मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल, सीएम ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर में सरकार ने एसआरओ 43 को किया रद्द, जम्मू कश्मीर पुनर्वास योजना लागू। देश भर में कोरोना के मरीज घटे, 24 घंटे में कोविड के 5,554 नए केस आए सामने। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मियों की मौत। नेपाल के धारचूला में भारी बारिश से तबाही, 2 लोगों की मौत, कई लापता। सम्राट चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में जमा लोगों की भीड़ का किया अभिवादन, पीएम लिज ट्रस से की पहली बार मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एरन फिंच ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, रविवार को होगी दोनों टीमों के बीच खिताबी भिड़ंत। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।